सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पैन कार्ड के बाद में इस बार सरकार की कैंची आधार कार्ड पे चली है और यूआईडीएआई ने लगभग 81 लाख से अधिक आधार कार्ड को इंडिया में ब्लॉक कर दिया है। लगभग जो आधार कार्ड ब्लॉक हुए हैं वो छोटे बच्चों के या बुजुर्गों के हैं, क्योंकि उनके आधार कार्ड काफ़ी लंबे समय से यूज़ में नहीं लिए गए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं पे आपका आधार कार्ड तो ब्लॉक नहीं हुआ है, और साथ में आप जानेंगे कि आप अपने आधार कार्ड को ब्लॉक होने से कैसे बचा सकते हैं, और अगर वो ब्लॉक हो चुका है तो उसका समाधान क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं पे आपका आधार कार्ड तो ब्लॉक नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाके आपको गूगल में सर्च करना होगा UIDAI, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको सर्च करना होगा। इसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखा देंगी, और सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दी गई है UIDAI की, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको इस बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यूआईडी की ये वेबसाइट है ऑफिशियल, और यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि अपना आधार कार्ड क्या वैलिड है या नहीं है। और इस वेबसाइट में आने के बाद में हमें वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर का एक नाम दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा, और इस पेज में आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आधार नंबर, उसके अंदर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद में नीचे आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो डालना है। तो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेरे पेज पे आया है 7302, आपके पेज पे अलग आएगा, तो आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको नीचे जो वेरीफाई बटन दिया है उस पर क्लिक करना होगा, और वेरीफाई बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा, और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका आधार कार्ड एक्टिवेट है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का अगर साइन दिखाई देता है तो आपका आधार कार्ड एक्टिवेट है, वरना आपका आधार कार्ड आपको बता दिया जाएगा कि एक्टिवेट नहीं है। तो अगर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शहर में जो आधार केंद्र है वहाँ पर जाके आपको फिर से अपनी डिटेल्स वहाँ पे देनी होगी, और वो आपके आधार कार्ड को फिर से बनवा देंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट है तो आप इसे डीएक्टिवेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से, अपने पैन कार्ड नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से, इन सबसे लिंक करके रखें ताकि वो एक्टिवेट रहे। जब भी आप कोई नया मोबाइल नंबर लें तो उस समय अपना जो आधार कार्ड है उससे ज़रूर कनेक्ट करें। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि उसको किसी न किसी सर्विस में आप यूज़ कर रहे हो। जिन आधार कार्ड को यूज़ में नहीं लिया जाता है वो आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।